ट्राम, रिक्शा, बस और पीली एम्बेसडर टैक्सियां कोलकाता के सड़क परिवहन व्यवस्था का हिस्सा हैं। ये सभी साधन परंपरागत हैं, लेकिन जिस तरह शहर बढ़ा है, जिसमें आबादी और आकार दोनों शामिल हैं, उसमें सड़क यातायात के साधन अब कम पड़ते जा रहे हैं, खासकर तब जब शहर के जनसंख्या घनत्व के मुकाबले सड़क भूमि मात्र 6% हो। ऐसे में कोलकाता मेट्रो जैसे आधुनिक यातायात के साधन ने शहर को काफी राहत दी है। देश का पहला भूमिगत मेट्रो रेल, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित है, वो कोलकाता को 3 दशक से अपनी सेवाएं दे रहा है। सड़क के भीड़भाड़ से दूर कोलकाता मेट्रो रोजाना लाखों लोगों को कम समय और पैसे में आरामदायक सफर कराता है। एक जून 1972 को दमदम टॉलीगंज मेट्रो परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई और उसी साल 29 दिसंबर को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी। 24 अक्टूबर 1984 को एक सपना साकार हुआ, जिसने कोलकाता ही नहीं पूरे भारत की परिवहन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। इसी दिन स्प्लानेट से भवानीपुर के बीच पहली बार भारत का पहला मेट्रो वास्तविकता में साकार हुआ। We are very proud that we were the first metro in the country, and the metro is very, very useful, and we are grateful that we have it. We can travel very smoothly in comfort and very cheap. शुरू में ये दूरी मात्र 3.40 किलोमीटर की थी, जो आगे 1996 आते आते 16.45 किलोमीटर का हो गया। अब दमदम से महानायक उत्तम कुमार टॉलीगंज तक मेट्रो का विस्तार हुआ, जो कि मूल अवधारणा में थी। अब कोलकाता मेट्रो दक्षिण में महानायक उत्तम कुमार स्टेशन से कवि सुभाष न्यू गड़िया तक फैल चुका है और उत्तर में दमदम से नवापाड़ा तक इसका विस्तार हो चुका है। कोलकाता मेट्रो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक 28 किलोमीटर का सफर रोजाना तय करता है, जिसमें तकरीबन 6 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से रात 10:34 तक मेट्रो अपनी सेवाएं देता है, जबकि रविवार को दोपहर 2 बजे से रात 10:34 तक अपनी सेवाएं देता है। कोलकाता मेट्रो दिन ब दिन दैनिक यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय साधन बनकर उभर रहा है। इसका प्रमाण हर साल इसके यात्रियों की संख्या में इजाफा ही दिखाता है। इस वजह से अब कोलकाता मेट्रो अपने विस्तार की ओर बढ़ रहा है और पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर के बीच नया कॉरिडोर बना रहा है। अनुमान है कि इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद 20 लाख दैनिक यात्री कोलकाता मेट्रो रेल का सफर करेंगे। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी कोलकाता मेट्रो में सफर कर इसके अतीत और वर्तमान को समझे और इसमें हमारे साथी बने कोलकाता मेट्रो के DGM प्रत्यूष घोष। देश के पहले मेट्रो ने 24 अक्टूबर 1984 को अपनी पहली गति स्प्लानेट के इसी प्लेटफॉर्म इसी स्टेशन से भवानीपुर, जो कि अब नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है, ले चली थी। प्रत्युष जी, हमें पहले तो मेट्रो के इस कुछ इतिहास के बारे में बताइए। लोगों में काफी जो है उन्मादना टाइप की हो गई थी और मेट्रो देखने के लिए, ये फर्स्ट मेट्रो कलकत्ते में, तो लोग मेट्रो पे चढ़ने के लिए बेताब थे। तो फिर 1984 का अपना 24 अक्टूबर को हम लोगों ने शुरू की सेवा और उसके बाद से आज तक हम लोगों ने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। और आप देख रहे हैं, ये उनमें से वो जो मेट्रोज हैं, शुरू के मेट्रोज में से ये मेट्रो है। ये 1984 में हम लोगों का जो फर्स्ट मेट्रो आया था, इसी तरह का मेट्रो हुआ करता था और ये आज हम लोग इसी तरह का मेट्रो पे सफर करेंगे, उसी की याद को ताजा करते हुए। हमने अपने सफर की शुरुआत वहीं से की जहां से कोलकाता मेट्रो ने 24 अक्टूबर 1984 से की थी।
स्प्लानेड के इस स्टेशन में घुसते ही हमें प्लेटफॉर्म पर फिल्मी गाने सुनाई दिए जिनकी आवाज काफी तेज और ये लोगों का ध्यान आकर्षित भी कर रहे हैं। आप जब भी किसी भी कोलकाता मेट्रो के स्टेशन पे जाएंगे और प्लेटफॉर्म पे आपको ये संगीत सुनाई देगा। इस संगीत से कहीं ना कहीं जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाता है। मैंने कोलकाता मेट्रो के डीजीएम प्रत्युष घोष जी से जानना चाहा कि कोलकाता मेट्रो में स्टेशन पे इस तरह के म्यूजिक लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। घोष साहब आप बताएं कि इसके ये जो संगीत आपने हर जगह लगाया हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। देखिए मेनली आज का दिन जो है आज लोग काफी लोग कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए इस लोनलीनेस को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये टीवी का बंदोबस्त किया है स्टेशन पे और इसके अलावा हम लोगों ने एसी मेट्रोज भी में भी हम लोगों ने ये म्यूजिक लगाया है एम्बियंट म्यूजिक। उसमें है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजते हैं वर्ल्ड म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक उसके बाद से आपका वेलनेस म्यूजिक रविंद्र संगीत का भी हम लोगों ने कुछ लगाया है इंस्ट्रूमेंटल में। तो इसमें क्या होता है माहौल बदल जाता है एम्बियंस दूसरा टाइप का हो जाता है। आपके मन में जितना भी कॉम्प्लिकेशन रहे जब आप अच्छा म्यूजिक सुनोगे तो होता क्या है आपका मन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और डाइवर्ट होने से क्या होता है कि आप फिर से रिजुविनेट करते हो अपने आप को फिर से फुल ब्लूम में आ जाते हो। तो इसीलिए हम लोगों ने किया है और हम लोग काफी सक्सेस भी मिला है। इसके बाद हम पहुंचे भवानीपुर जिसे अब नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है। देश के पहले इस भूमिगत मेट्रो रेल में पहले इसी तरह के नॉन एसी कोचेस हुआ करती थी। हम जानना चाहेंगे प्रत्युष घोष जी के एसी और नॉन एसी के बारे में। प्रत्युष जी बताएं। ये देखिए हमारा नॉन एसी पहले चलता था। हम लोगों ने 7 अक्टूबर 2010 से एसी रेक शुरू किया है। तो अभी हम लोग पहले तो नॉन एसी का लुक लेते हैं क्योंकि इसका एक हेरिटेज वैल्यू होता है। इस प्लानेट से भवानीपुर तक ही पहली भूमिगत मेट्रो रेल चली थी। आपको बता दें कोलकाता मेट्रो पहले नॉन एसी थी अब भी है लेकिन इसमें अब एसी की गाड़ियां भी जुड़ गई हैं। ये नॉन एसी गाड़ियां काफी हवादार हैं और चलते समय गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होने देती। तेज रफ्तार और तेज आवाज लगता है जैसे जिंदगी को गति प्रदान कर रही हूं। अब हम चल पड़े टोलीगंज की ओर जिसे हम अब बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार के नाम से जानते हैं। टोलीगंज बांग्ला सिनेमा का घर है और इसका कोलकाता में एक खास मुकाम है। हमने नॉन एसी मेट्रो रेल के बाद एसी की मेट्रो में भी सफर किया और इस दौरान लोगों को इसका आनंद उठाते हुए भी देखा। कोलकाता मेट्रो दिल्ली मेट्रो की अपेक्षा काफी सस्ता माध्यम है। न्यूनतम भाड़ा 4 रुपए और अधिकतम भाड़ा 14 रुपए है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर दमदम से कालीघाट का सफर किया था जिसमें 15 स्टेशन आते हैं और भाड़ा था मात्र 8 रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता मेट्रो कोलकाता वासियों को कम भाड़े में कितना आरामदायक सफर कराता है। लेकिन किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या समय समय पर थोड़ा भाड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। हमने इस बाबत लोगों से बात की। कोलकाता मेट्रो में सफर करते हुए जब उन्होंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने मेट्रो की वजह से जो उनका समय बचता है उसका और जो कम पैसे किराए के कम पैसे हैं उसकी काफी तारीफ की। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर एसी ट्रेन ही सारी उतार दी जाए और सुविधाएं बढ़ा दी जाए तो रेट भी थोड़ा बढ़ जाए तो कोई फिक्र नहीं है। मेरे साथ एक युवा है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये रेट बढ़ने का समर्थन करते हैं। जी हाँ, अगर रेट बढ़ भी जाए लेकिन सुविधाएं और भी उपलब्ध हो तो और बहुत अच्छा होगा। हम लोग वेट करते हैं कि एसी मेट्रो आए। नॉर्मल मेट्रो कभी कभी हम लोग छोड़ भी देते हैं मेट्रो स्टेशन में, तो रेट 2-4 रुपए बढ़ जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सुविधाएं मिलनी चाहिए हम लोगों को। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आम आदमी के तौर पर जब एक आम आदमी जो है बहुत कम पैसा कमाता है उसके लिए ये कम पैसे में एक आने जाने का साधन है। आपको लगता है कि जब भाड़ा बढ़ जाएगा तो उन लोगों को असुविधा होगी?
देखिए सब लोगों के लिए तो मतलब अच्छा नहीं है, क्या कि लोग महीने का बजट बना के भी चलता है, कुछ बिना बजट के भी चलते हैं। अगर मतलब हम ये नहीं बता सकते, बोल सकते हैं कि भाड़ा बढ़ जाए, कोई भी चाहेगा नहीं कि यहाँ भाड़ा बढ़े, काहे कि वो अपने जेब के हिसाब से ही खर्चा करना चाहता है। सैलरी महंगाई इतना बढ़ रहा है, सैलरी कम होते जा रहा है, तो हम तो कहेंगे सपोर्ट नहीं करेंगे कि भाड़ा बढ़े। बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे कई लोग जब जो कह सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सुविधाएं बहुत हैं, तो कई ऐसे भी नागरिक हैं जिनके लिए कम जो है पैसे में अच्छा साधन बन जाता है जिससे कम समय लगता है। व्यक्ति और मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, रेट बढ़ाने के बारे में आपका क्या? ऑफकोर्स बढ़ाना चाहिए, अभी बढ़ाना चाहिए, अभी राइट नाउ, क्योंकि 4 रुपया क्या है, 100 सिगरेट 5 रुपया है, 7 रुपया है, तो क्या एसी जाता है, एसी में जाता है तो क्या? लेकिन कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकली, कुछ आदमी है जो पॉलिटिकली भाड़ा नहीं बढ़ेगा, लेकिन सैलरी बढ़ाओ, रेल कर्मचारियों का सैलरी बढ़ जा रहा है, हाँ, उसका डीए बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रहा है, रेल का भाड़ा मत बढ़ाओ, ये पॉलिटिकल और कुछ नहीं है। अब हम टॉलीगंज से कवि सुभाष न्यू गड़िया की ओर चले। इस दौरान हमारी नजर स्टेशनों के नाम पर पड़ा तो हमने देखा कि ज्यादातर स्टेशनों के नाम बांग्ला महापुरुषों के ऊपर रखे गए हैं। अभी हम टॉलीगंज से कवि सुभाष की तरफ कोलकाता मेट्रो में बैठ के, आम ट्रेन की तरह ही अभी ये बाहर भूमिगत से बाहर हो चुकी है और हम उसका आनंद ले रहे हैं। और अभी मेरी नजर जब मैं इस पे ट्रेवल कर रहा था तो मैंने स्टेशनों के नाम पे देखा यतीनदास पार्क, रविंद्र सरोवर, नेताजी, महानायक उत्तम कुमार, मास्टरदा, सूर्य सेन, कवि नजरूल, कवि सुभाष। तो काफी इंटरेस्टिंग सा लगा कि इन्होंने यहाँ पे महापुरुषों के और हेरिटेज इतिहास को जो है वो नामकरण में स्टेशनों के नाम में रखा है। तो मैं प्रत्युष घोष जी से जानना चाहूंगा कि इस महापुरुषों पे और अपने हेरिटेज पे इस तरह के नाम रखने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो सब बताएं। देखिए ऐसा है कि शुरू में इलाका के बेसिस पे ही नाम रखा गया था, आपने देखा वो भवानीपुर, लेकिन हम लोगों ने बाद में चेंज किया क्योंकि वहीं पे नेताजी का अपना पुराना एंसेस्ट्रल घर हुआ करता था, तो हम लोगों ने नेताजी भवन किया जस्ट हेरिटेज को पकड़ कर रखने के लिए। अभी यहाँ देख रहे हैं आप गीतांजलि, शहीद मोतीराम और सारे जो है मास्टर सूर्जो सेन, तो ये सब जो है उन महापुरुषों को थोड़ा सम्मान देने का है और हम लोगों ने उसका तो नामकरण किया था। लेकिन लेटली हम लोगों का कुछ लोगों की तरफ से कंप्लेंट भी आई थी कि सो आप इलाका का नाम ही साथ में डालिए अदरवाइज हम लोगों को मुश्किल हो जा रही है। फिर आप देखो आप देखो हो गया, फिर अब पुराना स्टेशन के साथ साथ मारसियों के नाम के साथ साथ भी अब लोगों ने पुराना उस एरिया का नाम भी डाला है। कवि सुभाष स्टेशन कोलकाता मेट्रो के दक्षिणी छोर का अंतिम स्टेशन है। यहाँ बगल में रेलवे स्टेशन है जहाँ उपनगरीय क्षेत्रों से लोग आते हैं और फिर कोलकाता जाने के लिए मेट्रो पकड़ते हैं। कोलकाता मेट्रो दमदम से कवि सुभाष, जिसे न्यू गड़िया भी कहते हैं, तक की सफर तय करता है और मैं अभी तक कोलकाता के दक्षिणी और अंतिम छोर और अंतिम स्टेशन कवि सुभाष न्यू गड़िया में खड़ा हूँ। ये वो स्टेशन है जहाँ कोलकाता के सबर्ब के न्यू गड़िया रेलवे स्टेशन से लोग उतरते हैं और कोलकाता जाने के लिए, अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए उन्हें सस्ता और समय पर पहुंचाने वाला एक साधन बनता है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो कोलकाता परिवहन व्यवस्था का आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कुछ लोग आप कोलकाता में घूमेंगे तो कुछ लोग इसे कोलकाता की शान भी कहते हैं और कहीं ना कहीं आप इसे देखेंगे तो ये कम समय में और अच्छी सुविधा के साथ और आजकल के माहौल में जो महंगाई का जमाना चल रहा है उसमें उनकी जेब का ख्याल रखते हुए सस्ती टिकट दर के हिसाब से उनको एक सुविधाजनक यात्रा भी कराता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कोलकाता मेट्रो में जाएं और देखें कि आम आदमी किस तरह से कोलकातियन जो है इसमें सफर करते हैं और अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी कोलकाता मेट्रो में डिब्बे में आप जैसे ही घुसेंगे तो वहाँ एक सीट विकलांग नागरिकों के लिए, फिजिकल चैलेंज सिटीजन के लिए होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप इधर देख सकते हैं कि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी यहाँ सीट आरक्षित होती है। कुछ थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो फिर
आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन से आगे आते हुए आप देखेंगे कि ये इधर ये सामान्य सीट है, आज इस तरफ दोनों जो इसमें सामान्य नागरिक किसी भी जेंडर के व्यक्ति बैठते हैं और आरामदेह अपनी यात्रा को करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले जाना चाहूंगा इस एक ही डिब्बे में, यहाँ कोई अलग डिब्बे की व्यवस्था नहीं होती। आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए भी यहाँ पे जो है सीटें आरक्षित की जाती हैं और आप जो देख सकते हैं कि एक ही डिब्बे में जहाँ सीनियर सिटीजन्स विकलांग नागरिकों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है ताकि इस यात्रा में वो सुविधाजनक तरीके से, आरामदेह तरीके से कोलकाता मेट्रो का आनंद ले सकें और अपने गंतव्यों तक पहुँच सकें। लेकिन इसके बावजूद असामाजिक तत्व महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं की सीटों पर कब्जा कर बैठना या फिर आपत्तिजनक तरीके से घूरने जैसा कृत्य करते ही रहते हैं। इसी से निपटने के लिए कोलकाता मेट्रो ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंडरकवर दस्ता बनाया है जिसमें 20 रेलवे पुलिस के जवान रहते हैं, 10 पुरुष और 10 महिलाएं। ये कभी अपने यूनिफॉर्म में होते हैं तो कभी सादे ड्रेस में। खैर, इससे असामाजिक तत्वों में एक डर तो बैठेगा ही। कोलकाता मेट्रो की सुरक्षा के लिए आरपीएफ हमेशा मुस्तैद रहती है ताकि दैनिक यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और खासतौर से महिलाओं के लिए वो हमेशा नए नए प्रयास करती रहती है। अभी एक खबर आई है कि वो आरपीएफ ने खासतौर से महिला कांस्टेबल्स को डिप्यूट किया है ताकि महिला यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, कोई छेड़छाड़ जैसी कोई घटना जो होती है उस पर रोक लग सके। हमने डीजीएम प्रत्युष घोष से जानना चाहा कि किस तरह का ये कदम रहा। देखिए, ये हम लोगों ने 24 जनवरी 2013 से हम लोगों ने वीमेन टास्क फोर्स बनाया है। इसमें दो शिफ्ट में 8-8 महिलाएं होती हैं और एक इंस्पेक्टर होते हैं, तो इससे महिलाओं लोगों को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं महिलाएं लोग। अब हम पहुंचे दमदम। ये जगह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ बगल में ही दमदम रेलवे स्टेशन है जहाँ न केवल उपनगरीय बल्कि अंतर्राज्यीय ट्रेनें भी रुकती हैं। यात्रियों के टिकट के लिए लगी इस लंबी कतार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह दमदम एक महत्वपूर्ण जगह है यातायात के नजरिए से। दमदम जो है हमारा सबसे व्यस्ततम स्टेशन है और यहाँ पे करीबन 1.5 लाख पैसेंजर रोज अपना मेट्रो सवार करते हैं। इन लोग खड़े हैं इस टोकन को खरीदने के लिए। हमारे पास ये दूसरा जो है स्मार्ट कार्ड का भी प्रबंध है, ये स्मार्ट कार्ड है। तो अधिकतर इस भीड़ से छुटकारा लेने के लिए लोग स्मार्ट कार्ड लेते हैं, लेकिन ये लगता है रोज के यात्री नहीं है, तो ये टोकन आज खरीदेंगे, खरीद के ही मेट्रो पे सवार करेंगे। तो हमारा ये स्टेशन जो है नॉर्थ का इंटरफेस है। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे जो अपने एकदम ग्रामीण इलाका राणा घाट से लोग यात्री आते हैं और वो आके यहाँ से मेट्रो पकड़ के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट धर्मतल्ला चले जाते हैं। आपने जैसा कि घोष ने कहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड वाले यात्री अलग हैं और ये दैनिक यात्री नहीं है। उसके बावजूद इतनी भीड़, वो तकरीबन 1:15 बजे के आसपास जो कि पीक आवर नहीं है, इतनी भीड़ ये बताते हैं कि कितना व्यस्तम ये मेट्रो स्टेशन दमदम है। बंगाल अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए तो पहले से ही जाना जाता है और आपने देखा होगा कोलकाता मेट्रो के स्टेशन पर हमने आपको दिखाया कि कैसे म्यूजिक यात्री संगीत वहां बजाया जाता है ताकि यात्रियों का जो माहौल है वो काफी खुशनुमा बना रहे। और आपको मैं एक दूसरे तरीके दिखाता हूँ, ये भी बंगाल का एक कल्चर है। दमदम जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ, दमदम मेट्रो स्टेशन पे, और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बांसुरी बजाकर यहाँ लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, साथ ही अपने बांसुरी को बेचकर अपना एक रोजगार भी सृजन कर रहे हैं। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कोलकाता मेट्रो का एक अलग ही आनंद है। अब उत्तरी छोर में दमदम से नोआपाड़ा तक कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो चुका है। कोलकाता मेट्रो ने दूसरे शहरों को मेट्रो का एक नायाब तोहफा का विचार दिया जिसने शहरी परिवहन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। कोलकाता के सांस्कृतिक सहित अन्य पहलुओं के बारे में हमने खूब सुना है और देखा भी है, लेकिन यातायात के तौर पर भी कोलकाता एक अनोखा शहर है। सड़क पर ट्राम के साथ बस और टैक्सियां, हाथ रिक्शा और फिर भूमिगत मेट्रो रेल। वाकई ये शहर
पहियों पर तौड़ता है। जो सबाई फिरे जाए ओरे ओरे ओ भागा सबाई फिरे जाए जदि गहन पथे जाबार काले क्यों फिरे ना चाय जदि गहन पथे जाबार काले क्यों फिरे ना चाय तबे पथेर काटाओ तुई रक्त माखा चरण तले एकला दलोरे ओ तुई रक्त माखा चरण तले एकला दलोरे जदि तोर डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलोरे।